हिस्ट्री के पेपर में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, दैट विल बी शॉर्ट नोट्स, गिव रीजन, कंप्लीट द मैप। समझ में आया? ये तीन ही टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 2 मार्कर्स में, 3 मार्कर्स में, यानी कि 3 मार्क्स के लिए आपको आंसर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये 2 टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के लिए आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर्व आपके अडिगता में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सिलेबस ब्रेकडाउन दैट टू ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, ये जो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का आज हम लोग सिलेबस ब्रेकडाउन देखेंगे। वैसे तो ये सब्जेक्ट काफी बच्चों को बोर लगता है और काफी बच्चों को टफ भी जाता है, बट क्या पता आज का वीडियो देखने के बाद, आज का सिलेबस ब्रेकडाउन देखने के बाद, आज का मार्क्स लेआउट देखने के बाद आपका जो मूड है वो शिफ्ट हो जाए। क्या पता आपको प्रिपरेशन करने में मजा आए, इजी लगे, और क्या पता पेपर भी ईजी जाए, जिसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल साइंस कुछ देर के बाद जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर का क्या वेटेज है विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, और तो और हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारा सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। वैसे तो हिस्ट्री में टोटल आपको आएंगे 9 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है हिस्ट्री में? यू हैव 9 चैप्टर्स इन हिस्ट्री, एंड दीज 9 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस। आपके हिस्ट्री में 9 चैप्टर रहने वाले हैं और ये 9 चैप्टर 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हुआ है, और हर एक के सेक्शन वाइज आपका जो है वो मार्क्स का जो वेटेज रहने वाला है वो अलग रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 एंड 2, विच इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट एंड हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, दिस कम्स अंडर फर्स्ट सेक्शन, पहले सेक्शन में आएगा, और ये सेक्शन आपको 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, आउट ऑफ विच यू हैव टू राइट ऑफ 6 मार्क्स। 9 मार्क्स का पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का लिखना है। कौन सा सेक्शन? नंबर 1, जिसमें पहले दो चैप्टर आपके रहने वाले है, जिनमें आपको 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन सेम दोनों चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। समझ में आया पहला सेक्शन के बारे में? बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। नेक्स्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। जी हाँ, सेकंड सेक्शन जो है, सेकंड पार्ट जो है, उसमें अप्लाइड हिस्ट्री एक ही चैप्टर है जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको 3 मार्क्स का लिख के आना है। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 5 का पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स का लिख के आना है। ओके, अब इस चैप्टर में से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ज्यादा वेटेज है भी नहीं, तो 1 एंड 2 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। नाउ ये थर्ड सेक्शन थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, एंड इस सेक्शन में आपको 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर मिलने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, सेकेंड चैप्टर इज मास मीडिया एंड हिस्ट्री, थर्ड इज एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, फोर्थ इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, फिफ्थ इज टूरिज्म एंड हिस्ट्री, और ये सेक्शन थर्ड सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 5 चैप्टर विल बी आस्क्ड फॉर 21 मार्क्स, आउट ऑफ विच यू हैव टू राइट ऑफ 16 मार्क्स। मतलब ये 5 चैप्टर का जो सेक्शन है थर्ड सेक्शन, ये 21 मार्क्स को पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 16 मार्क्स का लिख के आना है, 16 मार्क्स का लिख के आना है आउट ऑफ दिस सेक्शन। अब ये सेक्शन में 5 चैप्टर है, हर एक चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, जिसमें से 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन की संभावना है आने की। चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया हिस्ट्री, जिसमें से अगेन 1, 2 एंड 4। जी हाँ, अभी चैप्टर नंबर 5 में आपका 4 मार्क्स का जो है वो आगमन हो चुका है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, इसमें भी आपको 1, 3 एंड 4 मार्क्स का आगमन हो चुका है। चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री से भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 8 टूरिज्म एंड हिस्ट्री, अगेन वेरी नॉर्मल 1, 2 एंड 3, मतलब 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स आपके है चैप्टर नंबर 8 में। ओके, तो ये हो गया आपका 4 to 8, जो 5 चैप्टर है 21 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 16 मार्क्स का जो है आपको लिख के आना है। अब लास्ट चैप्टर है 9 चैप्टर, विच इज हेरिटेज मैनेजमेंट। अब हेरिटेज मैनेजमेंट भी अप्लाइड हिस्ट्री की तरह 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का लिख के आना है, मतलब इतना कुछ ज्यादा वेटेज है नहीं, बट ये अपना हेरिटेज मैनेजमेंट जो है, इसमें 1 मार्क और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं।
तो इस हिसाब से पढ़ना हर एक चैप्टर को, हर एक सेक्शन को, ठीक है। ये जो बीच वाला सेक्शन है पांच चैप्टर वाला, ये ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 21 मार्क्स के लिए, जिसमें से 16 आपको लिख के आना है। तो इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना, जो मैंने लेआउट दिया है जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करना, काफी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से, समझ में आ रहा है। इसका टोटल देखोगे 40 और ये मार्क्स विदाउट ऑप्शन 28 का रहेगा। इसके बाद जो 12 मार्क्स रहेगा दैट विल बी ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, टू मार्कर्स जो है इस हिस्ट्री के पेपर में, दो मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं दैट विल बी शॉर्ट नोट्स, गिव रीजन, कंप्लीट द मैप। समझ में आया? ये तीन ही टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे टू मार्कर्स में, थ्री मार्कर्स में, यानी कि तीन मार्क्स के लिए आपको आंसर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये दो टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर मार्क्स के लिए आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे आपको दिया था 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स के लिए क्या रहेगा, 3 मार्क्स के लिए क्या रहेगा, 4 मार्क्स के लिए क्या रहेगा, ये आपको लास्ट में मैंने यहाँ पे दिया है। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्या लेआउट रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का ब्रेकडाउन किस तरह से होने वाला है। देखो, है तो पॉलिटिकल साइंस छोटा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगेन, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर्स हैं एंड दीज 5 चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंडिविजुअल सेक्शन रहने वाला है, एंड फर्स्ट चैप्टर इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का लिख के आना है। समझ में आया? सेकेंड सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर, तो दूसरा सेक्शन है उसमें 2 चैप्टर्स है। कौन से 2 चैप्टर्स है? द इलेक्टोरल प्रोसेस पहला, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज दूसरा। दोनों चैप्टर्स मिला के जो है आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 5 मार्क्स का लिख के आना है। मतलब ये जो दूसरा सेक्शन है ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, थर्ड सेक्शन इज सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। ये 2 चैप्टर सबको है, जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 4 मार्क्स का ही आपको लिख के आना है। छोटा ही है ना, टोटल 12 मार्क्स का आपको लिख के आना है, जिसमें से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब 20 मार्क्स का दिया रहेगा, उसमें से बस 12 मार्क्स का लिख के आना है पॉलिटिकल साइंस, जो कि हिस्ट्री के तुरंत बाद होगा। अब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में 1 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स आएंगे। सेकेंड चैप्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इलेक्टोरल प्रोसेस में मैंने बस 2 मार्क्स से क्वेश्चन दिए, क्योंकि यूजुअली इस चैप्टर से 2 ही मार्क्स के, बस 2 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। थर्ड चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज। अगेन, पॉलिटिकल पार्टीज में एक मार्क का क्वेश्चन है और 1 2 मार्क का क्वेश्चन है। मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन जो है इन 2 चैप्टर्स में से जरूर आना है। समझ में आया? ओके, अब ये जो है 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का आपको लिख के आना है। गोइंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4 विच इज सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। अब इसमें भी आपको 1 मार्क का और 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड 5th चैप्टर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें भी 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये लेआउट मैं दे चुका हूं आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में भी आपको मैं बताता हूं, 1 मार्कर्स जो है उसमें बेसिकली आपको एमसीक्यू रहेंगे, 3-4 MCQs। उसके बाद 2 मार्कर्स में क्या क्या रह सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया ना कि हर एक चैप्टर में से 1 2 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जिसमें आपका गिव रीजन रह सकता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट रह सकता है, कंसेप्ट मैप कंप्लीट करने के लिए रह सकता है, एंड आंसर द ब्रीफ। ये 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और 1 मार्क के लिए जो है वो एमसीक्यू पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस में। नाउ अगेन, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों का मैंने सिलेबस का ब्रेकडाउन दिया है, कितना वेटेज हर एक चैप्टर को है वो दिया है, कितने सेक्शंस है और कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये मैंने दिया है। थरोली ध्यान से देखना, उसके बाद उसी तरह से प्रिपेयर करना, ज्यादा झिकझिक नहीं करना है, लर्न करते मत बैठिए। मैंने आपको बताया है किस तरह से एसएसटी को पढ़ाई करना है, नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने एकदम डिटेल में बताया किस तरह से पढ़ना है। ओके, नाउ ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।